सो यहाँ पे जो Xiaomi डिवाइसेस में हमें पावर बटन यहाँ पे दिया गया है, इसका हम क्या क्या काम यहाँ पे कर सकते हैं ये मैं आप सभी को यहाँ पे शो करने वाला हूँ। क्योंकि सबसे यहाँ पे जो बेसिक काम है, जब आप यहाँ पे पावर बटन से होल्ड करते हैं सो आप यहाँ से पावर ऑफ रीबूट ईजीली कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइसेस को, जैसे कि आप Xiaomi डिवाइसेस को भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो इसके अलावा ये पावर बटन यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलेगी। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे गेस्चर शॉर्टकट्स में जाना है। गेस्चर शॉर्टकट्स में आपको MIAI देखने के लिए मिलेगा। MIAI में जाने के बाद आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन को टर्न ऑन कर लेना है, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको सिंपली 1 सेकेंड के लिए इसको इनेबल करना है ताकि आप यहाँ पे MIAI को ईजिली ओपन कर सकें और आप इसको यहाँ पे कोई सा भी मैसेज यहाँ पे भेज सकते हैं जो भी आपको यहाँ से भेजना है। और इसको वापस टर्न ऑफ करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में गेस्चर शॉर्टकट्स में MIAI में जाना है, इसको सिंपली टर्न ऑफ कर देना है ताकि आप यहाँ पे फिर से अपने पावर कंट्रोल्स को यहाँ पे ईजिली ओपन कर सकें। सो यहाँ पे Xiaomi डिवाइसेस में हमें MIAI देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्लोबल की रोम को यूज़ करते हैं Xiaomi डिवाइसेस में तो आपको यहाँ पे गूगल असिस्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये पावर बटन के कुछ बेसिक फीचर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और HyperOS 2.0 में कुछ ऐसे ही और गेस्चर शॉर्टकट्स को ऐड किया जाएगा जिससे हम यहाँ पे पावर बटन को इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ से पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स की हेल्प से स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर सकते हैं और पार्शल स्क्रीनशॉट के लिए आपको सिंपली स्क्रीन में ही होल्ड करना पड़ेगा, बटन का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। सो HyperOS 2.0 का वेट कीजिए, आपको इसमें कुछ और एक्साइटिंग फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ।